पुलिस ही घर में नहीं, अभी के अभी पुलिस के फोन करा और अपन कंप्लेन वापस ला। ओ गॉड जी, अब तो हो गए सत्यानाश, हर जगह लेट पहुंचे ली, लेकिन यहाँ तो टाइम से पहले ही आ गई ली। हमके तो ऐसा लगा था कि पुलिस वाला भी शोर के पकड़े खातिर बहुत उतावला हो रहा बनी। पूरा पुलिस घर के बाहर बा, उनके घर के अंदर मत आवेदा। ऑलराइट, बात से तो खुश ना हो रहा बड़ू कि अगर पुलिस अंदर ना आए तो तू दोनों माँ बेटी बच्चे बो। सजा तो तोके फिर भी मिली, हम तोके देव सजा, चाहे तू दोनों माँ बेटी कितना ही इमोशनल ड्रामा काहे ना कर लो। और देखा तोहार माँ तो अभी से आंसू बहावल शुरू भी कर देला। फिर हम हमेशा से सोचत रही कि तोहरे पास इतना शातिर दिमाग कहाँ से आई, पर अब पता चले कि ई क्वालिटी तोके विरासत में मिलल है। जैसन माँ वैसन बेटी। तनु तू ए बारे में चुप रहा था अच्छा होगी, और तू ई बारे में कुछ बोला तब अच्छा होगी। बोला सबके कि ये चोरी तो हर माँ कई लख। ये चोरी वो ना कहीं, अगर उनके पैसा की जरूरत हो तब वो हमसे मांग सकत रहनी, हम डायरेक्टली दे देती। और रेली तो एक मतलब यह की तो की पता रहे की तुहर माँ के लीगल नोटिस आये रहे। हाँ। तो फिर तू उनकर मदद काहे ना करी। आई मीन तोरे पास तो इतना पैसा है, तू पैसा दे सकेलू? काहे कि वो हमरा से पैसा ना मंगी, वो हमके बतावले तक ना रहनी कि कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में ऐसा कौन प्रॉब्लम भी बा। वो तो हम उनकर बात सुन लेनी तो हमके पता चल गई। तो तू ये कहे चाहता रू कि तोहर माँ तोरा से हेल्प ना मांगलक तो तू हेल्प ना कैलू? मतलब तोहार माँ तोरे सामने अपन सेल्फ रिस्पेक्ट दिखावत रहे और तू ई दिखावत रहे कि जब तक हमरा से हेल्प ना मांगबा हम हेल्प ना करब। देखा तू ई नाटक कहीं और जाके करियो। वैसे तो एक दूसरा खातिर जान देवे ला तैयार रहलो, लेकिन ऐसे हेल्प कहे करी बिना मांगे। देख रहल बानी आप सब लोग, ई माँ बेटी के मिली भगत है, दोनों मिलके घर में चोरी करे चाहत रहे। फिर प्रज्ञा अभी तोहर माँ पे भरोसा करत होगी, लेकिन हम ना, हमके सब कुछ साफ साफ दिख रहा बा कि कैसे तोहर माँ इमोशनल ड्रामा कर रहा बिया, कैसे अभी के बेवकूफ बना रहा बिया ताकि अभी उनके अगेंस्ट कोनो एक्शन ना ले सके। बंद कर तनु, ये सारा पैसा हमारा, हमारे परिवार के अगर पैसा की जरूरत हो तो हमके इनसे भी पूछे की जरूरत ना हो तो हम डायरेक्टली जाके दे देती। पता बा तू ऐसा एला ना करेलू, ताकि फिर तो के हमने सबके सवाल के जवाब देवे पड़े। हमने ये पूछती कि जब हमने के पैसा की जरूरत पड़ेला तब तू लेक्चर देवे लो, लेकिन पैसा ना, लेकिन जैसी तुहार माँ के पैसा की जरूरत पड़ल पैसा दे देलू। सो बेसिकली तू हमने सबके नजर में अच्छा बन के रहे चाहता रू, हमने सबके ना स्पेशली अभी के नजर में। तो क्या प्लीज प्लीज अपनी ड्रामा बंद करो और जाके अपन माँ के बोला कि वो अपन जुर्म कबूल करे, अब पुलिस के हवाले अपने आप के कर दे। और अगर तू इसे ना कहला तो हमने सब ही समझ जाए कि ई चोरी में तू भी अपन माँ के साथ मिलल रहा है। और हमने के तू दोनों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेवे के पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ का कर रहल बानी? एक घर के कोनो लेडी के फोन आयल रहे कि यहाँ चोरी भइल बा और उनकर जान के खतरा बा। चोरी खतरा, आप कोना बारे में बात करता नहीं इंस्पेक्टर साहब? यहाँ घर में सब फैमिली मेंबर बाड़न और सबसे बड़न, अंदर कुछ भी नहीं के। देखा वो हमके घर के एड्रेस दे ले रहे और उनकरा से बात कइल, हम उनकर चीख की आवाज भी सुन ले रहे, हमके चेक कर दी। इंस्पेक्टर साहब, आप
आप अंदर ना जा सके। तू हमके रोक रहल बड़ा। हम ना जेकरी घर बाप अभिषेक मेहरा उ नेखे चाहत कि आप अंदर जाएं। देखा मिस्टर, कॉल आयल रहे तो एक्शन तो लेवे के ही पड़ी, और फिर तू बड़ा चाहे घर के मालिक होके, तू दोनों में से कोई भी हमके नहीं रोक सकत। इंस्पेक्टर साहब आप समझत कहे नहीं कि अंदर ऐसा कुछ ना हो रहा बाप, आप अंदर ना जा सके नहीं। लगातार आप एरिया में नया बनी। हम अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन करनी है। तो शायद आप जाने नहीं कि अभी तक रॉक स्टार के घर बा अगर वो चाहत कमिश्नर के फोन के आपके रुकवा सकत रहे, पर वो ऐसा ना कहेगा। तो बेहतर ये होगी कि आप यहीं रुक जाएं। तू हमके हमारे सीनियर के धमकी दे रहल बड़ा। देखिए हम आपके कोनो धमकी ना दे रहल बानी, सिर्फ इतना समझा रहल बानी कि अंदर कुछ ना हो रहल बा, आप अंदर नहीं की जा सके। समझा तो तू नहीं खा। अगर अब तू हमके रोके की कोशिश कैला तो सबसे पहले हम तोरा के अरेस्ट करब पुलिस के ड्यूटी करे से रोके खातिर। इंस्पेक्टर साहब आप समझ ना रहल बानी, अंदर ऐसा कुछ नहीं के, अंदर सब फैमिली मेंबर बड़े और सब सेफ बड़न, अंदर फैमिली मैटर चल रहा बा, आप इंटरफेयर मत करी। अगर ये फैमिली मैटर होत ना तो हमके कॉल ना आवत। अब तू हमारे बीच में आई बा हवलदार, अगर ये बीच में आवे तो एकरा हथकड़ी पहना के जीप के अंदर डाल दो। इंस्पेक्टर साहब आप आप टेंशन मत ली, सब ठीक हो जाए। हमके पता भी कुछ ना हो कि आप पे कोनो बात ना ही, कोनो ना कोनो रास्ता निकल आई। आप टेंशन मत ली। लेकिन वो पैसा हमार कमरा से, वो आप हम पे छोड़ दी ना, कुछ कुछ ना होगी। प्रज्ञा सब ठीक हो जाए ना। हाँ कुछ भी ना होगी। अब हमारे पास आप और हम दोनों जानी ले क्यों कर रहल बा, आप ये फसावे खातिर कुछ ना होगी। आप पे कोनो उंगली उठी ना तो हम उंगली तोड़ देब। अगर आप पे के इल्जाम लगाई हम अपने ऊपर ले लेब। आपके कुछ ना होके देब, हम सच कह रहल बानी। तू अपन ऊपर इल्जाम ना लेबू, तू अपन ऊपर कुछ ना लेबू। भगवान करे ये सब कुछ गलती होके सब ठीक हो जाए। तू कुछ मत बोली, तू चुप रही, हमके कुछ ना होगी। कुछ कर हा बेटा, तू अपन सामने ये सब कैसे होके दे रहल बाड़ा। बेटा अगर पुलिस आ गई तो केहू ना केहू की गिरफ्तार करके ले जाई। बेटा हम ना जानी ले ये सब कुछ के कैलक, पर भरोसा से कह सके नहीं बेटा। सरला जी ऐसे ना कहले बानी बेटा, वो कर ये ना सके नहीं। दादी आप चिंता मत करी, हम कुछ गलत होके ना देव। हमरा होत हुए घर से केहू जेल ना जाई। अकी बेटा पुलिस तो आ चुकल बाना, वो लोग सरला जी के साथ कुछ बुरा कहले तो बेटा आपन घर के बदनाम हो जाए। देखा बेटा तू सरला जी के आपन माँ कहेला ना बेटा, वादा करा बेटा आपन माँ के कुछ ना होके देबा, वादा करा ना। दादी आप चिंता मत करी, सरला आंटी के कुछ ना होगी, बस भरोसा रखी। इजे अभी प्रज्ञा कहलक उमे सेंस तो रहे कि अगर हम ओके ऐसी पुश करत रहनी तो हो सकेला प्रज्ञा अपन माँ के बचावे खातिर कहीं सारा ब्लेम अपना आप पे न ले। और अगर इसन होएला तो ई बार प्रज्ञा लंबा फंसी है। आफ्टर ऑल सवाल 1 करोड़ के, एकर जवाब तो अच्छा अच्छन के पास न होखेला। एटलीस्ट 6 महीना की सजा तो होगी और ओके जेल होके मतलब जैकपॉट। उस 6 महीना में हम सब कुछ कर पाए जी, 6 महीना मैंने कर पाई नहीं। शादी, बच्चा, बच्चे के नामकरण, विथ मेहरा ने सब इतना आसानी से होगी जैसे कि कोनो प्रॉब्लम ही ना रहे। निखिल आलिया सब हमारी तारीफ करिए कि ये सब कुछ हम अकेले कैसे हैंडल कर लेंगे, फिर हमारी लाइफ सेटल। और कब तक नाटक कर भू प्रज्ञा, तो हर माँ के आंख में आंसू देख के हमके न लगे था कि ऐसा कुछ कैला ना। हमनी सबके समझ में आ रहा, इनफैक्ट तू ऐसा कुछ करे चाहत भी न रहनी, बल्कि ही सब कुछ तो कैल धरल तोहार। तोहार पैसा के लालच तोहार माँ के फंसा देलक। तो अपन माँ तक के ना छोड़ लू, वो पैसा के बैग जाके सलांटी के रूम में रख दे लू, शर्म ना आयल तो के। तनु प्लीज स्टॉप इट, हमने पहले से ही टेंशन में बड़ी, पुलिस बाहर आ चुकल भी, ऐसा कुछ मत करा कि जिससे मामला और बिगड़ जाए। ऑलराइट अभी तू न जाने लाई ये प्रज्ञा के का प्लान है, और ऐसे लोगन से ना इस तरीका से ही बात करल जाला। तू यहाँ सबके सामने बड़ा इनोसेंट बता रहल बाड़ू ना, तेको बात बताओ तिजोरी के चाबी केकरे पास रहे। हमरे पास। तो तू कहीं बाहर गयल रहलू ना रात के जब सुतत रहलू तब वो चाबी तेरे पास रहे? हाँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठलू तब वो चाबी तेरे पास रहे? हाँ।
तोरे पास से गई और तोरे पास आ गई और तो की पता भी न चले। अब बस सुबह होवे के इंतजार हो और फिर हम करब तमाशा और तू देखत रह जेबू। फिर तो बात क्लियर है कि ई काम तोहरे अलावा कोई कर ही ना सकेला। ई चोरी भी तू ही कैलू हा। वो बैग चुरा के तू सरलांटी के रूम में रख देलू पता का है? कहे कि तू जानत रहलू कि सब लोग पूरा घर के तलाशी लिए लेकिन सरला आंटी के रूम की तलाशी ना लिए यानी कि गेस्ट रूम और वहाँ पे तुहार पैसा सेफ रही। ये तो हमार पुश करे पे सब लोग गेस्ट रूम चेक कर ले। तुहार पैसा के लालच सरला आंटी के फंसा देला। वो सब कुछ भइल जे तुहार प्लान में न रहे और एला तुहार पूरा प्लान खत्म हो गई। एला तू बहुत घबरा गए रहो कि अब हम का करें। बट अभी आई मस कि सरला आंटी की बहुत बुरा लगल होगी। वो बहुत डर गई रहनी और हमके खुद कितना बुरा फील हो रहा कि हम सरला आंटी की इतना सब कुछ कहनी इतना भला बुरा कहनी लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से हो रहा बा। सब झूठ हो सकेला लेकिन सरला आंटी की आंसू झूठ ना हो सकेला। बात सही बा। अगर सरला आंटी के पैसा चाहे के रहे तो डायरेक्टली तोहसे मांग सकेले। इस तरीके से चोरी करके इनके कोनो जरूरत ही ना रहे। पैसा की जरूरत इनके ना पैसा की जरूरत ही प्रज्ञा के रहे। और पैसा ले का कुछ कर सके लिए हमने सब जानी है। अरे पैसा ले जे अपन पति के ना छोड़े अपन पति के धोखा देलक सारा प्रॉपर्टी ले लग तो अपन माँ के का छोड़े। और हमके तो लगे था कि ई प्रज्ञा अपन माँ के बीमारी के भी फायदा उठा लखा। चोर ई ना चोर ई है। और शक तो हमके पहले से ही रहे तोरा पे पर हम कुछ कहने नहीं कह कि हम जानत रहने और हम देखे के चाहत रहे कि तू का बोल गई। तू चोर चोर के हिला शोर मचलक ताकि तू तोहरा पे क्यों के शक न हो कि तू चोर बाड़ू। इतना आसानी और इतना बशर्मी से अपन माँ के चोर साबित कर देलू और खुद ही चोरी से निकलत रहलू। सच नहीं यह सच तू बोलबू तो सच बदल ना जाए। चोरी तू ही कैलू है। इतनु का करा दिया पहले हम पे इल्जाम लगावत रहे अब प्रख्या पे अचानक एक सुर का है बदल गई। ई जरूर है तनु के कोनो चाला। ई जानी ले कि बाहर पुलिस आ गई बा एक खातिर जान बूझ के हमार प्रज्ञा के चोर बोल रहा दिया ऊपर दबाव डाल रहा दिया। और कहीं अगर प्रज्ञा दबाव में आके कुछ ऐसा कह दे लगता पुलिस सुन ले लग तब पुलिस प्रज्ञा के चोर समझ ले और ओके अरेस्ट कर ले। और अगर प्रज्ञा जेल चल गई तब तनु के रास्ता साफ हो जाए। प्रज्ञा रहे तो तनु और अभी के शादी ना होके दे लग पर प्रज्ञा के चल गए के बाद सबसे पहले ई कोर्ट में साबित करी कि डिवोर्स पेपर पे प्रज्ञा के ही साइन रहे और फिर डिवोर्स होते ही वो अभी से शादी कर ले और रोके रोके वाला के होना होगी। इतना महीना के लड़ाई हमार बच्ची एक ही दिन में आ जाए और सारा मेहनत बेकार हो जाए अभी ओके कभी ना मिल पाई ना ना मामा हम ई ना होके दे। और प्रज्ञा जेल गई तब तनु हमेशा खातिर ई घर में आ जाए एक घर के बहू बन के। नाना एक घर के बहू तो सिर्फ हमार प्रज्ञा भी हमार बच्ची और वह रही। अब हमार बेटी के सुहाग के लड़ाई हाँ हम के लड़े के पड़ी हमरे हाथ में बस सब कुछ हम के सब होके से रोके के होगी। हाँ हम के सब रोके के होगी बस। हम चरवले बानी 1 करोड़ रुपया। सरला जी आपके ये सब करे के कौनो जरूरत ना है। अब हम का बताएं आपके कि अगर हम ऐसे ना करब तो आपके देख ले सपना प्रज्ञा कब पूरा ना कर पाई। प्रज्ञा के जगह तनु एक घर के बहू होगी और प्रज्ञा हमेशा हमेशा खातिर अभी से दूर चल जाए। आप कुछ ना कहले बानी हमके पूरा भरोसा बा। अब केहू के कुछ भी साबित करे के जरूरत ना। हम कह रहल बानी कि हम चरवनी 1 करोड़ रुपया। इंस्पेक्टर साहब आप हमार बात सुनिए आप 1 सेकंड रुकिए प्लीज। माई आप का बोल रहल बानी? बस प्रज्ञा तू हमके बचावे खातिर जितना कुछ कर सका चलू ना तू कर ले लू। अरे पैसा हमरा कमरा में मिलल बाना तो चोरी हम ही कहले बानी और हम आपके बतावत बानी चोरी हम कैसे कहनी। हम प्रज्ञा से वो चाबी चरवनी फिर हम गईनी वो लॉकर रूम में
वहाँ से हम पैसा निकलनी, वापस हम चाबी प्रज्ञा के पास छोड़ देनी और पैसा लेके हम अपन कमरा में आ गई। यहाँ तो चोर गवाह और गवाही सब एक साथ मिल गए, फिर तू कैसे कह सकेला कि जा कुछ भी नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, डोंट वरी मिस्टर अभिषेक मेहरा, हम सब सुन ले बानी और चोर अपन चोरी कबूल कर ले बा, हम उनका अरेस्ट कर रहा बानी, गिरफ्तार कर लें इनके। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज एक मिनट रुकिए, हमके आप अभी से बात कर दी प्लीज, अभी तू हमारा साथ आवा। ये पूरब अभी के कहां ले गए? अभी कोनो नया चाल तो ना चल रहा? हम कहले रहनी ना ये फैमिली मैटर भाई, यहाँ पुलिस ना आवे के चाहत रहे। अभी हम बहुत कोशिश करनी पर वो हमार ना सुनला, सो जबरदस्ती अंदर घुस गए। पर तू ये सब छोड़ा, तू प्लीज कमिश्नर के फोन लगावा और कोने भी तरह से उनके बोला कि ए इंस्पेक्टर के रोके हूँ। तू भी अच्छा तरह से जाने लगा कि माँ ऐसा काम कबो ना करिए, वो चोरी ना कर सकेली। तू अच्छा से जाने लगा कि माँ और प्रज्ञा दी दोनों बेकसूर बाड़ी। तू कुछ भी करा यार, क्यों के फोन लगावा, तू माँ के अरेस्ट होके इससे रोका, तू उनके अरेस्ट ना होके दा। तू सोचत का बड़ा यार, जल्दी कराना, देखा अभी इससे पहले कि देर हो जाए, प्लीज माँ के बचा ला। अभी तू हिजा का कर रहा बड़ा, अब तो सब सच्चाई सबके सामने आ गई ला। अभी नीचे पुलिस तोहार वेट कर रहा बड़े, नीचे जा और पुलिस के जाके कहा कि ओपन ड्यूटी निभाए। अभी हमके तो लगा था कि प्रज्ञा पे भी प्रेशर डाले के चाहिए, वो कन्फेस कर दी। अभी हमके लगा था ये चोरी में दोनों माँ बेटी मिलल बने और बेटी के बचावेला सारा इल्जाम सरला माँ अपन सर पे ले लेनी, लेकिन मास्टर माइंड सिर्फ प्रज्ञा भी है। हमके तो लगा था कि हमने के सरला आंटी के साथ साथ प्रज्ञा के भी अरेस्ट करवा देवे के चाहिए। तनु हमरा समझ में कुछ नहीं आवत, कि हमने समझ में नहीं आवत कि हम पुलिस के कैसे रोकी। ये तो प्रॉब्लम हमने के कि हमने दोनों बहुत इमोशनल बने, हमने के साथ क्यों कितना भी बुरा कहे ना करे, लेकिन हमने क्यों के साथ बुरा कर ही ना पाई थी। अभी हमके भी अच्छा ना लग रहा बाकी पुलिस आंटी के अरेस्ट करके ले जावे, लेकिन अभी ये सब कुछ हमने के फ्यूचर खातिर। अभी जो पैसा उस चुराले बानी ना, वो तारे फैमिली खातिर, हमने की होगे वाला बच्चा खाते रहा, जॉन के बारे में क्यों अच्छा ना सोचेला, और वो पैसा अपन फ्यूचर के सिक्योर करेला चुरौनी। अभी तो कुछ गलत ना कर रहा बड़ा, तू नहीं सरला आंटी के कहला कन्फेस करे खातिर, नहीं पुलिस की बुलावला, इट मीन्स जे कुछ भी हो रहा बा सही हो रहा बा। अभी वो कुछ गलत करनी है तो उनके सजा भी मिले के चाहिए। अभी मैं सोचो कि वो तो हर माँ बानी, अगर माँ होती तो ऐसा काम कबो ना करती ना। अभी तू एक बात मत सुनिया, देखा अभी जोन हो रहा बा वो गलत बाई ही ना होके के चाहिए। तू अच्छा से जाने ला कि माँ बेकसूर बाड़ी, प्लीज प्लीज उनके जेल जाए से रोक ला। कहे जब आलिया की सजा मिल सके तो सरला आंटी के कहने, आलिया और रवि की तो खून के रिश्ता रहे, तो जब अभी आलिया के सजा देवत रहे तब तू कहे ना रोक ला, और अब कहे रोक रहा बाड़ा? कैसे तो ना कि तू प्रज्ञा और ओकर माँ के प्लानिंग में मिलल बड़ा, ऐसे ऐसे बोल रहा बाड़ा? अभी तू नीचे चला, तू ये करे जब तक करत आयल बड़ा, सच के साथ दो। अभी काहे कनी आप ऐसन, काहे सारा इल्जाम अपन ऊपर ले लो, काहे हम काहे ना ले सके नहीं पैसा, हम चुरवले बानी पैसा, हम कहले बानी सब। अब बोलियो और हम मान ले, जिसे हम आपके जाने ले ही ना, हम जाने ले कि आत्मसम्मान आपके जीवन में सबसे बड़ा चीज है। कुमकुम भाग्य हॉल से आपके बहुत प्यार है, अपन बच्चा की तरह सब संभाल के रख ले बाड़ू होके, लेकिन वो आपके सम्मान से बड़ा ना है आपके ला। आप हम की बोल रहे बानी की जौनी औरत ला सम्मान ही सब कुछ बा, पैसा खातिर ही हरकत कहला, आपका भगवान भी हमसे कहिए कि आप वो पैसा चोरवनी था हम ना मानब। अब जब हमनी के हमेशा सच बोले सिखवनी, सही रास्ता पे चले सिखवनी, तो आप खुद ऐसन कैसे कर सकीनी? जब आप हमके ई तक ना बता सकीनी कि ऑल के अगेंस्ट नोटिस आयल बा, सिर्फ यही लगा है कि आप जानत रहनी कि अगर आप हमसे बात शेयर करिए तो हम इनसे पूछ ले बिना आपके पैसा ला के दे दे और आप ये ना चाहनी।
हम ये सब तोरा खातिर कहनी प्रज्ञा, तोरा खातिर कहनी बेटा। हम मानत बानी की कुमकुम भाग्य हमार मान रहे, लेकिन हमार बच्ची के कुमकुम कहीं ज्यादा प्यारा बा हमके। हमके पता बा ये सब तनु तोरा के पसावे खातिर कहले भी ना, अगर वो तोरा के पसा दे तो पुलिस तोरा के जेल में डाल दे, और जेल में डाले के बाद वो तनु अभी से शादी कर ले, और तू तू अकेला रह जाए, तू तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जात बेटा। और अभी अभी तो फिर तोरे मांग के कुमकुम कब बनी न पावत, और हमें ना सह सकत रहनी, यही खातिर हमें जामा अपन ऊपर ले लेनी। हम जेल में रह, लेकिन तो तू ही लड़ाई लड़ सकेलू ना, तो फिर से अपन अभी के पास अकेलू, और जब ही सब अच्छा से ठीक हो जाए तब फिर का फर्क पड़ेगा। और अगर इल्जाम ही अपन ऊपर ले लेनी तो हम माँ बनी तोहर, हम जब तक जिंदा रहब ना कबो तोहरा पर हल्का सा आँच भी ना आवे दे, केहू तोरा के छूके भी तो देखे हम ओके मार डालब, और तोरा के इतना सभी चोट ना आई, और तोहर इतना बड़ काम में रुकावट बने वो हम ना सह सके नी प्रज्ञा, यही खातिर हम सब इल्जाम आप और ऊपर ले लेनी। हम ना चाहता नहीं कि तू जे कुछ भी कर रहल भी है, जे सब ठीक होके वाला हो, ओकरे बीच हमरे वजह से ये सब हो रहल बा। हमके बता बहु, वो पैसा हमार कमरा में यही खातिर रख लग कि वो इल्जाम हम पे आ जाए, लेकिन तू इल्जाम काहे ले रहल बाड़ू बच्चा, तू इल्जाम मत ले, तू अपन लड़ाई लड़त रह, हमके कुछ ना होगी। हम समझ गए रहनी सरला जी, अब जे कुछ कर रहल बानी अपन बेटी खातिर कर रहल बानी। ऐसन परिवार कहाँ देखे खातिर मिले ले, जहाँ लोग एक दूसरा खातिर जिए ले, जेकरा पास इतना अच्छा बच्चा हो के जे करोड़न में एक भी आ, जे अपन माँ से इतना प्यार करे ले, अपन परिवार से, अपन ससुराल से, अपन पति से, होकर माँ अगर ओकरा खातिर इतना सभी कुछ कर दे लग तो ज्यादा ना बा। हम तो खुश नसीब बानी कि हमके इतना प्यार करे वाला बच्ची मिलल भी, और इस सच में अभी तक हमार मान बढ़वले ही बा। अगर आज हम एक मान खातिर इतना सा काम कर देनी तो कोनो ज्यादा ना बा। प्लीज एक बार हमार बात सुना ना प्रज्ञा, हमके कौनो बात ना करे की बात और हसे। लेकिन माँ, हम आपके ऐसे ना चाहे, आप हमारे पास अब केहू कुछ ना बोली, हम अपन डिसीजन ले ले बानी, और हमार फैसला के बीच में अब केहू ना आई। इतनु इतना स्माइल काहे कर रहल बिया, कहीं ई इनके भड़का तो ना देलक, अगर ई इनके अपन साइड का लेलक तो का होगी। Yes. हमार लगाएल चिंगारी आग पकड़ लेलक, अब जैसे अग्नि के साक्षी मान के प्रज्ञा शादी की कसमें ले ले रहे, अब हमार देवल अग्नि में उहे शादी के कसम जल के राख हो जाए। बाकी दादी प्लीज, इस बार आप भी ना। हमके का लगा था कि अभी जो पुलिस आई भी आना उस सरलांटी के पकड़ के ले के ही जाए, और हमनी के भी पैसा के साथ साथ खूब सारा इज्जत भी मिली। यस मिस्टर, अब हमने इनकर ले जाएं, आप चिंता मत करें, पुलिस स्टेशन के अंदर हम इनकर ऐसा खातिरदारी करब कि 5 मिनट के अंदर सब उगल दी है कि चोरी के पैसा कहाँ रखल बा और चोरी में के शामिल रहे। अरेस्ट कर ले इनकरा। एक सेकेंड, देखा हम इनके अपन माँ के दर्जा देले बानी, और ये भी हमके अपन बेटा माने ली, बेटा माने ली तो बेटा होके के फर्ज निभावे के पड़ी ना, और एगो बेटा अपन माँ के जेल जात कैसे देख सकेला।
इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे केहू चोर नहीं खे केहू कोनो चोरी ना भइल बा। ई हमनी के घर के मामला बा। आई एम सॉरी आपके तकलीफ उठावे के पड़ल बाकी इट्स नॉट एक्सक्यूजेस। मिस्टर अभिषेक मेहरा ये आपके घर के मामला नहीं खे, ये पुलिस के मैटर बा। मामला 1 करोड़ के चोरी के बा। मुलजिम अपन गलती स्वीकार कर ले बा। आई एम सॉरी मिस्टर अभिषेक, अपन फर्ज फिर कबू निभा ली है। फिलहाल पुलिस के अपन फर्ज निभावे दी। लागत बा आप ही एरिया में नया नया आयल बानी। अभी कुछ दिन भइल हमार पोस्टिंग भइल। ई जोन नया पुलिस वाला होके लन अक्सर अपन फर्ज अदा करे के बात करेलन। जब हम कहा था नहीं आपसे के यहाँ पे केहू चोर ना बा, यहाँ चोरी ना भइल बा, आप इनके कहे अरेस्ट करे चाहत बानी। अगर आप चाहत बानी तो हम कमिश्नर साहब से भी आपके बात करवा सकत बानी। मिस्टर अभिषेक मेहरा हम जानते नहीं कि आप बहुत बड़ा आदमी बानी और आपके पहुंच भी बहुत ऊंचा बा, लेकिन आज अगर कमिश्नर साहब भी कुछ कहिए ना तब भी हम उनकर बात को ना मानब। ये अपन जुर्म स्वीकार के लिए बड़े, ये मुजरिम बड़े और पुलिस मुजरिम के सामने उनका छोड़ नहीं सकत। हमरा इनका अरेस्ट करे के ही पड़ी, इनके खिलाफ केस बनावे के ही पड़ी और हमार बनावल केस में सजा कड़ा से कड़ा होखेला। ले चला इनकरा। एक सेकंड। अगर केहू हाथ लगावे की कोशिश भी कैला तो हमरा से बुरा केहू ना होगी। अगर हम चाहें तो पुलिस की ड्यूटी करे से रोके खातिर हम तोरा अरेस्ट भी कर सके नहीं, लेकिन आपके फैमिली और आपके फैंस के आपके जरूरत बा, आप उनकर देखभाल करी मुजरिम के ना। और अगर मुजरिम के साथ आपके इतना हमदर्दी बा तो कोनो अच्छा वकील के साथ कोर्ट में आ जाए। तो ऐसे ना माना बा, ये पब्लिक के कोर्ट के धमकी देवल ना पुलिस के पुरान आदत बा, लेकिन धमकी अब हम आपके देव। अगर आप में से केहू भी इनके हाथ लगावे की कोशिश भी कैलना तो हम मीडिया के बुलाई। अगर आप में से केहू भी इनके अरेस्ट करे के कोशिश कैल तो हम ह्यूमन राइट्स के बुलाए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बुलाए, तब फिर ओकरा बाद आप जिंदगी भर जवाब देत रह जाए। जब हम बोला था नहीं कि वो कुछ ना कैले बाड़ी तो आप इनका पीछे पड़ल का है बानी। कौनो FIR बा आपके पास? FIR नहीं के भाई, लेकिन आपके घर से केहू तो फोन कैले रहे। का नाम बतौले रहे? मिसेस मिताली मेहरा और परमिंदर मेहरा। अगर केहू भी सरला आंटी के खिलाफ गवाही देवे के कोशिश भी कैल ना तो हम ओकरा ही घर से निकाल देव। आप ठीक नहीं की करत, आप गवाह के दबावे के कोशिश करता नहीं। दबावत तय वक्त आप बनी अपन लाठी के छोड़ दी टूट जाए। कोनो गवाह बा आपके पास? कोनो सबूत बा? FIR बा? तो फिर कौना बलबूते आप इनके अरेस्ट करे चाहत बानी? आप हमके कानून सिखा रहल बानी? कानून के दायरा के बाहर तो आप जात बानी इंस्पेक्टर साहब। जेकर घर बा ऊ बतावत बा की कोनो चोरी ना भइल बा, जेकर पैसा बा ऊ बतावत बा की कोनो चोरी ना भइल बा, तो प्रॉब्लम कब आपके? हां काहे पड़ल बानी आप इनकरा पीछे? देखिए मिस्टर अभिषेक मेहरा, ये वर्दी तो रही लेकिन 24 घंटा हमार नजर आपके ऊपर रही। आपके परिवार के कोनो भी मेंबर अगर कोनो भी प्रकार की गलती कैले तो हम ओकरा कानून कैसन लपेटा में लेब कि केहू हमरा रोक ना पाई। सर आपके जौन लेवे के बाप ले ली। अभी जे कहलक कई के दिखा देलक। पूरब लगत बा इंस्पेक्टर साहब बाहर के रास्ता भुला गए, तनी इनके उंगली पकड़ के इनके बाहर तक छोड़ दा। चला थैंक यू वेरी मच। माँ आपके बेटा के दर्जा देनी और आप बेटा होके के फर्ज निभावले। अभी तू ठीक न कहला, तू एक गुनहगार के सजा न दिलवाला। समझियो कि तुहर माँ के अरेस्ट ना कैलक तो तू बच गयला और जीत गयला। ये लड़ाई और ये बात अभी भी खत्म ना होयला। तू माँ बेटी के हम सजा दिलवा के रह। अभी तू बिल्कुल ठीक कैला बेटा। माँ बेटा की इजे रिश्ता हो खेला ना
चाहे मुंह बोला ही काहे ना होखे, सबसे बड़ रिश्ता होखेला बेटा। आज तू अपन फर्ज भी पूरा कैले बाड़ा और वादा भी पूरा कैले बाड़ा, केहू के जेल ना जाए देला। तू एको अच्छा बेटा बाड़ा और एक अच्छा पोता भी। दादी बुरा मत मानिया, लेकिन ये वक्त हम अकेले रह जात बानी। हम जानी ले तू उदास बाड़ा, तू सोच रहल बाड़ा सही के साथ देखे रसे कोनो गलती तो ना हो गई। बेटा जी जेकर सोच सही हो खेले ना, उसे अगर कुछ गलत हो भी जावे तो नतीजा ओकर बिल्कुल ठीक ही निकलेला। एक मिनट, कहाँ जा रहा बाड़ू? अभी की कहले पे पुलिस तोहरा के छोड़ देलक, पर ई मत सोचिया कि हमनी तोहरा के छोड़ दे। एक बात तोहरा दिमाग में ध्यान रखला, तोहरे सिर से सिर्फ गिरफ्तारी के खतरा टलल है, चोरी के इल्जाम ना, समझ लू? और कैसन माँ बानी अफसर लांटी, अपन बेटी के घर में चोरी कर लेला आप? खैर छोड़ी, हमके ये बताई कि उस चोरी के रुपया आप कहाँ रख ले बानी? मिताली तो कहाँ पूछ रहा बिया, केकरा से पूछ रहा बिया? इतना सब कुछ भैला के बाद जे सच्चाई ना बतावलक, वो तोरा के पैसा के बारे में बता दी? अरे ई औरत में तो इतना भी शर्म ना बा कि इतना जलील होके के बाद यहाँ से चल जाए। अरे कोनो दूसर होखत ना तब कब के मुँह छुपा के यहाँ से चल गई होखत। बेचारा अभी अपन मुँह छुपा कर यहाँ से चल गई मम्मी जी, ओके तो अच्छा से पता बा ये चोरी तो यह कैले बानी, फिर भी वो इनके माफ कर देलक, इनके बचा देलक पुलिस के सामने से। बेशरम लोग, आज ना आइलू ना अपन हरकत से, सिर्फ तू लोग के वजह से आज फिर हमके पुलिस के मुंह देखे के पड़ल। अभी इतना में भी जीना भरल ना, ई बेचारी के पीछे पड़ गई बाड़ू। अब ऐसे पहले कि हमार गुस्सा और बढ़ जावे, दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाओ हमार नजर से। चली मम्मी जी। बदतमीज, बेशरम। प्लीज आप बुरा न मानिया, इनके तरफ से हम आपसे माफी मांगत बानी। आप माफी काहे मांगत बानी, एमे आपके तक कोनो गलती ही ना बाना, बस हम आपसे इजाजत मांगत बानी हमके घर से जाए थी। आप ऐसन काहे सोच रहल बानी, हमके पता बा आप ये सब ना कहले बानी, हमके हमके भरोसा बा आप पर ना। हम यहाँ ना रुक सके नी, हमके जाए दी यहाँ से। ई घर आपके ही बा, आपके कहीं ना जाए के बा, यह रहे के बा। हम मानत बानी कि आप हमके बहुत इज्जत देवेनी, बहुत प्यार करेनी, लेकिन हमके अपन नजर से और मत गिरावा, हमके जाए दी। अब हम यहाँ ना रुक सकब, हमके जाए दी। सरला जी आप बेकार के बाद दिल पे लगा रहल बानी, आप कहीं ना चाहिए बू, यह रहू प्रज्ञा की आपके बहुत जरूरत है। हमके बता बा की प्रज्ञा के हमार बहुत जरूरत है, लेकिन हम अपन बच्चा के ताकत बने चाहत बानी, कमजोरी ना, और हम इसे ना कर सकब कि हमरे कारण ओके इतना सब कुछ सुने की पड़ी है, ई खातिर आप हमके जाए दी। ना ऐसा मत सोची, हम सबके बताबा आप ई सब ना कैले बानी, हमके आप पर भरोसा बा, लेकिन घर में सबके भरोसा ना हो। और हमके बताबा कि प्रज्ञा हमके बेगुना साबित करे खातिर कोनो भी कदम उठा ले, लेकिन हम ही ना चाहत बानी। हम चाहत बानी कि जौन अपन लड़ाई लड़ रहा बिया ना, उस सारा ध्यान ओपे देवे, अगर ओकर लड़ाई के कुछ हो गई तो हम कबो सहन ना कर सकब, यही खातिर हमके जाए के पड़ी। हमार गैला के बाद भी आप तो ओकरे साथ बानी ना, आप शुरू से ही लड़ाई में ओकरे साथे बानी, यही खातिर हमके कोनो चिंता ना बा, अब हमके जाए दी बस। हम यहाँ पे ना रुक सकब, हम ना चाहत बानी कि हमार कारण हमार बे क्या क्या आपकी जरूरत है।
प्रज्ञा। आप मत जाओ ना। हम कहाँ जा रहे अलबानी? बस घर ही जा रहे अलबानी। और वैसे भी एक्सीडेंट के बाद तू लेके आई ललू ना यहाँ पर हमार देखभाल करे खातिर। देख अब चल सके नहीं, बोल सके नहीं, अब ठीक हो गई अलबानी ना, तो एक खातिर घर जा रहे अलबानी। और तू तो हमेशा हमसे मिले खातिर वहाँ आ ही सकेलू ना। हमके अच्छा ना लग रहा अलबा। हम तुहार कमजोरी ना बने चाहत आनी प्रज्ञा। हम ना चाहत बानी की हमार वजह से तुहरा के इतना सब कुछ सुने पड़े। और जी यहाँ तू अपन कुमकुम और अभी खातिर लड़ रहा बाड़ू ना, ओ में हम बाधा बनी, यही से हमके जाए दी। आप हमार कमजोरी ना, आप हमार ताकत बानी। और आपकी वजह से हमकी ना, हमार वजह से आपके इतने सब कुछ सुने के पड़े। कुछ ना कुमकुम भागे हॉल के का भाई। कुछ ना, हम बानी ना, हम सब कुछ संभाल ले। तू देख ले बाड़ू ना अपना माँ के कितना लड़ाई लड़ ले बानी हम अब तक। एक ही लड़ाई भी लड़ ले बचा ले हम ओके। तो बिल्कुल चिंता मत करा, बस एक बात पे ध्यान था। चौन लड़ाई तू आपन कुमकुम खातिर लड़ रहा बाड़ू ना, जे तू अभी खातिर लड़ रहा बाड़ू उमे, अब तू ओकर नतीजा के बहुत करीब बाड़ू बेटा। हमार वजह से आपन ध्यान वहां से मत हटावा। और अगर तुहरे सुहाग पे इतना सभी क्यों के नजर पड़ी ना, तो तुहार माँ जिंदा ना रह सके। एक खातिर तू हमार फिक्र मत करा, और तू बस आपन लड़ाई लड़ा, और हम हमेशा तुहरे साथ बानी। कहीं दूर थोड़े ना जा रहा बानी, पास में ही दबानी। रोहिना तू यहाँ हमसे मिले खातिर वहाँ, हाँ भगवान हमेशा तुहरे साथ रखे और तुहरे कुमकुम के ऐसे ही जिन मिलात रखे हमार बच्चा। प्रज्ञा जाए दा बेटा, जाए दा ना बेटा, जाए दा हमके। अभी अभी तू यहाँ बैठल बड़ा, वहाँ माँ घर छोड़ के जा रहा बड़ी कहाँ? अरे तू चला ना यार, प्लीज जल्दी समझावा उनके। चला जल्दी। काबिल यार तू यहाँ बैठ कहाँ गया, रुक कहाँ गया, चला ना अभी। देखा तुहार दिल भी अंदर ही अंदर जाने लगा कि माँ ऐसा कबू ना कर सके लिए, का इतना काफी नहीं तोरा खातिर। वो करा ना जो तुहार दिल कर रहा बा, प्लीज चल के रोका ना उनके। ना पूरब, हम उनके फेस ना कर सके लिया। हम जानत बानी पूरब कि वो चोरी ना कर ले बड़े, तो फिर वो ब्लेम अपना ऊपर काहे ले ली, का रीजन हो सकेला यार? इसे फर्क ना पड़ेला, तू जाने लगा कि माँ गलत नहीं के, तू जाने लगा कोई चोरी ना कर सके लिए इतना काफी ना बतोरा खाते। ना पूरा भम, हम ना रोक सके लिए उनकरा के, कहे कि कहूँ ना कहूँ इस सब के जिम्मेदार हम ही बानी। तू अपन दिल के सुना ना, जाके उनके रोका ना, प्लीज यार अभी ऐसा मत करा। सरला आंटी हमरा तरह बाड़ी, अगर वो घर से जाए के मन बना ले बाड़ी तो ना रुकी है। ठीक बात, तो उनके रोक ना सकेला, पर जाके उनसे एक बार मिलता ला यार। उनके बता था कि तू उनके रोक ना सकेला, पर कम से कम उनके इतना भरोसा तो दिलावा कि तू उन पर विश्वास करेला, उनके साथ बड़ा, इतना तक कर सकेला ना यार। पूरब, हमरा से ये सब कुछ ना हो कि हमरा से ये सब ना हो पाई। हमरा समझ में नहीं कि आ रहा बा कि हम उनके फेस कैसे करी, उनसे का बोली हम। कुछ मत कहिए बेटा जी, कहे कि अब कुछ कहे और सुने खातिर बाकी ही ना रहल। हम तो यहाँ आपके आशीर्वाद देवे आयल बानी। बहुत ही सच्चा और प्यारा दिल बना आपके, दूसरा के आँख में सच्चाई दिख जावे ले। भगवान से बस इतने प्रार्थना करब कि जैसे दूसरा के आँख में सच्चाई देख ले वेला, वैसे आपन साथ होके वाला अच्छा और बुरा के पहचान ले। खुश रह, हमेशा खुश रह।